पूरी दुनिया में जो कारों से परेशान शहर है उसको लेकर के लोग कार फ्री जोन के आइडिया को काम कर रहे हैं। आपने जो अपना कार फ्री जोन बनाया उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि वो जोन बाकी शहरों में भी लागू होना चाहिए? हमने फाजिलका के अंदर एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया जैसे हम प्रदूषण से जूझ रहे हैं उसके लिए या एक गरीब आदमी के रोज़गार के लिए दोनों चीज़ें साइड पहले है। हमें सेहत के लिए ये वातावरण को साफ करना है तो काफ़ी जोन एक छोटा सा एरिया हमने किया है। उससे क्या एक मैसेज पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड को किया है कि हम ट्रैफिक से जो जूझ रहे हैं उसको हम सोल्व कर सकते हैं अगर ट्राई करें तो। उस पर हमें जो अपने शहर में मिला है जो लोगों ने हमारा सहयोग किया है तो उससे लगा कि जैसे वो हमारी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी वहाँ पर जो पोल्यूशन का सिस्टम था हमने देखा वो सारा बहुत चेंज आया और वहाँ पर गरीब आदमी जो रिक्शा चला रहा है उसके लिए रोजगार मिला, हमारी सेहत के लिए फिटनेस के लिए हमें प्रदूषण से मुक्ति मिली है। ये एक मॉडल है फाजिलका ने दिया है जो सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। आपको लोग जो हैं बॉम्बे के और दिल्ली का नकल करते हैं, हमारी सरकारें कह रही है कि हम दिल्ली को जो है लंदन बना देंगे और जो बॉम्बे है उसको सिंगापुर बना देंगे, तो क्या लगता है कि फाजिलका जो है वो रोल मॉडल हो सकता है पूरे देश के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमने एक ऐसा कदम उठाया है कि हम पहले ये सोच रहे हैं कि इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है तो मोटर को छोड़ के हमें वैसे फिजिकल इस चीज़ों की ज़रूरत है, रिक्शा है, साइकिल है। जैसे आप आज भी आप फॉरेन की बातें करते हैं वहाँ लोग पैदल चलते हैं, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते, तो यहाँ हमारे एक होड़ सी लग गई गाड़ियों की, एक घर में 10-10 गाड़ियाँ हैं, तो इस चेंज करना चाहिए। इस मॉडल हमने फाजिलका के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया है वो छोटी सी सिटी है पर उसके अंदर इतना रिस्पॉन्स मिला है, मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट करेगी। आपको लगता है कि जो आपने काम किया है इससे जो एक राजनीतिक कर्तव्य होता है, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो ऐसे काम राजनीतिक नेताओं को करना चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए क्योंकि हमें समाज के लिए काम करना है, हमें ये देखना है कि समाज को क्या ज़रूरत है उस पर प्लान करना चाहिए। आने वाला कल जो है उसके बारे हमें प्लानिंग करनी चाहिए, जो आज हमें प्रॉब्लम आ रही है आने वाली पीढ़ी को प्रॉब्लम ना आए, अच्छा वातावरण हम दें। आज जो हमारे पीछे बुजुर्गों ने हमारे लिए पर्यावरण पर काम किया, प्लांट्स लगाए, हम उसको सबको सेव करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है आगे की प्लानिंग। अगर इसी तरह चलते रहे जैसे आज मोटर युग है तो क्या बनेगा, ये ज़मीन पर कैसे चलेंगे, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए और हमने किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो फाजिलका में ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से हमने पूरा दुनिया को दिखाया है कार फ्री जोन बन सकता है, इको कैब बन सकता है, या रिक्शा के लिए बहुत अच्छा हमने काम किया, घर बैठे आप डायल करें नंबर रिक्शा घर पे पहुंचती है, तो ऐसा ही सभी जगह होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टी और लोगों को जो इस लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं म्यूनसिपैलिटी सबसे बड़ा काम कर सकती है तो म्यूनसिपैलिटी को काम नहीं करना चाहिए। अभी जो आपने किया काम वहाँ पे उसको लेकर के जो आपको पुरस्कार के लिए चुना गया तो अब आपका कर्तव्य और बढ़ गया है, आपको दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा क्योंकि आपके कंधे पे और भी वजन आ गया है। मेरे को बहुत खुशी हुई है कि हमने जो समाज के लिए गरीब आदमी के लिए जो काम किया उसके लिए जो सम्मान मिला है ये मेरी सिटी को मिला है। मैं समझता हूँ मेरे नौजवान साथी नवदीप असीजा जी के संयोग से और ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन के संयोग से मेरे शहर को एक सम्मान मिला और एक ये बहुत बढ़िया मैसेज है पूरी इंडिया के लिए और उन प्रेसिडेंट के लिए जो इस लाइन में काम करें। थैंक यू।